गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। बहुत दिनों के बाद फिर से ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आज स्पेशल डे है, मतलब बंगाली की सबसे बड़ी फेस्टिवल दुर्गा पूजा की आज महालय है, मतलब शुरुआत है। तो मैं हर साल इस दिन एक कुछ ना कुछ दुर्गा माँ के ऊपर एक पेंटिंग बनाता ही हूँ, तो इस साल भी मैं करूंगा। लास्ट ईयर भी मैंने पेंटिंग का एक वीडियो दिया था यूट्यूब पे, शायद आप लोग ने देखा ही होगा। मैं आप लोगों के साथ फिर से वीडियो शेयर कर दूंगा। तो इस बार भी मैं एक काम करूंगा, पता नहीं मुझे क्या बनाने वाला हूँ, मगर कुछ मैं बनाऊंगा दुर्गा माँ के ऊपर ही मैं बनाऊंगा। कुछ पोर्ट्रेट वगैरह उसके ऊपर बनाऊंगा मैं, जो आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप मैं शेयर करूंगा। और रात के अभी 2 बज गए हैं, तो मैं अब काम कर रहा हूँ मतलब काम करने बैठा हूँ। हर साल मैं यही करता हूँ, महालय के टाइम पे ही काम करता हूँ रात भर। वो काम जब तक वो काम खत्म नहीं होते तब तक मैं काम करता रहता हूँ। वो सुबह भी हो जाता है कभी कभार, वो सुबह का जो महालय जो रेडियो पे होता है, नेशनल रेडियो पे सुनाई देता है सुबह 4-4:30 बजे, वो भी सुन लेता हूँ। तो इस बार भी मैं करूंगा, अभी मैं स्टार्ट करूंगा। मुझे मालूम नहीं है कब खत्म होगा, मगर मैं जल्दी जल्दी स्टार्ट करता हूँ आप लोग को। हर साल मैं कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ, तो इस बार थोड़ा अलग, मतलब एज ए पेंटिंग थ्रू, मतलब जो एस्थेटिक ऑफ थॉट कहे जाती है उसके हिसाब से मैं सोच रहा हूँ। मतलब हर कोई दुर्गे की जो भी, दुर्गा माँ की जो भी पेंटिंग बनाता है वो ऐसा ही होता है जो फोटोग्राफ में दिखाई देता है, ऐसा मैं भी ऐसा ही सोचता था पहले। इस बार सोच रहा हूँ कुछ अलग सा मैं करूँ, मतलब कुछ अलग एंगल की कुछ एक्सप्रेशन रहे उसमें, ऐसा सोच रहा हूँ। तो आगे देखते हैं क्या निकलता है दिमाग से। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, जो भी हो, मगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग देखिए और सपोर्ट कीजिए, अच्छा होगा तो कमेंट कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड अपने रिलेटिव्स एंड ऑल योर लिटिल ब्रदर्स, जो भी हो सबके साथ जो पेंटिंग करना चाहते हैं उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा।
সকলকে শুভ মহালয়ার আন্তরিক ও প্রীতির শুভেচ্ছা এবং শারদীয়ার সাদর আমন্ত্রণ। এবছরের পুজোটা ঠিক এরকম ভাবেই, মানে এবছরের মহালয়টা ঠিক এভাবেই আমার শুরু। প্রতি বছরই আমি এরকম করি, তবে এবছর দুর্গাকে আমি একটু অন্য রকম ভাবে করার চেষ্টা করেছি, অন্য আঙ্গিকে, মানে একটু নিজের মতো করে, অনেকটা নিজে যেভাবে বুঝতে শিখেছি, যেভাবে আমি ভালোবেসেছি সেভাবে আমি করার চেষ্টা করেছি। আর প্রতি বছরই আমি জল মাধ্যমে না হলে অ্যাক্রিলিক বা অয়েল মাধ্যমে আমি কাজটা করে থাকি। এবছর একটু অন্য, মানে অন্য বলতে অ্যাক্রিলিক মাধ্যমেই করেছি, কিন্তু একটু মিক্স, কিছু অর্নামেন্ট বা কিছু পেপার কিছু অ্যাড, মানে এক্সপেরিমেন্টাল যে কাজ হয়ে থাকে অ্যাকচুয়ালি কাজের মধ্যে, সেই ধরনেরভাবে করার চেষ্টা করছি। আমি জানি না তোমাদের কতটুকু আমার কাজ ভালো লাগছে, কতটুকু তোমাদের ভালো লাগে। যদি ভালো লাগে সাপোর্ট করো, ভিডিওটা দেখো, বাকিদের সকলের সাথে শেয়ার করো। আমি এবছরের কাজটা এইভাবেই করছি, অনেক দিন পরে ব্লগ ছাড়া। তো তোমাদের যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই তোমরা ভিডিওটা শেয়ার করো, লাইক করো, আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। আর বাকি যতটুকু কাজ বাকি আছে ততটুকু করি, তোমরা একটু দেখো কেমন লাগছে, তোমাদের কমেন্টস করো। মহালয়ার দিন রাতে কারা কারা জিজ্ঞেস কী কী করেছো তোমরা অবশ্যই কমেন্টস করে জানিও, আমার খুব ভালো লাগবে। इतना दूर तक काम हो जाने के बाद मुझे लग रहा है थोड़ा वाइब्रेंट कलर होने से पोर्ट्रेट और उभर के आता, ऐसा मुझे लग रहा है, फील हो रहा है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ, पेंटिंग ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला था, मगर मुझे थोड़ा एक होता है ना अंदर से एक फीलिंग सो अटैचमेंट, तो अभी मुझे ऐसा लग रहा था ये बैकग्राउंड थोड़ा चेंज होने से और अच्छा लगता, तो मैं अभी इसको रेड करने वाला हूँ। तो रेड करने के बाद देखेंगे क्या हो रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको बेहतर बनाने की। हेलो गाइस, फाइनली मेरा काम ख़त्म हो गया है और सुबह भी हो गया है। मुझे मालूम नहीं है आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा काम, और बहुत दिनों के बाद ब्लॉग किया, शायद अच्छा लगा होगा। और आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना मेरा पहला वाला पेंटिंग का जो, मतलब इस पेंटिंग का जो पहला वाला जो बैकग्राउंड था वो अच्छा था या अभी जो बना है वो अच्छा था, वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और कहाँ से देखे हो ज़रूर कमेंट करना, मुझे अच्छा लगेगा। आप लोगों को अगर मेरा काम अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, अगर आप लोग मेरे प्रोफाइल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।